संसद में बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव जुड़ा हो, हमें नए युग का निर्माण करना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें गरीबी ना हो, मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो, ऐसे भारत को बनाना है जिसके युवा समय से दो कदम आगे चले। संसद के बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, हमारी वित्त मंत्री एक महिला है, वो कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले, नागरिक पहले की सोच को लेकर हम संसद के इस बजट सत्र को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी नेता संसद के समक्ष अपने विचार रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती का ट्वीट, एक जनता की जेब खाली, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी का सिमटना घातक। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बढ़ाए किराए पर मुहर लगाई, रोडवेज को करीब 30 करोड़ का सालाना मुनाफा। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, अलाया अपार्टमेंट की गायब फाइलों को तलाशने के लिए बनी कमेटी, 9 फाइलों को तलाशने की कमेटी को किया गया 3 दिन का वक्त। आगरा में मकानों को गिराने की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी डीएम को सौंपी गई, पीडब्ल्यूडी के आकलन में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान, ठेकेदार से वसूली की जाएगी नुकसान वाली रकम। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू के बेटे सिकंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, 2019 से अब तक रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होने पर मांगा जमा। अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, मऊ डीएम रफीक उर्फ टाइगर और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिले हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 12 और 13 जनवरी को लखनऊ का दौरा, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट समापन समारोह में शामिल होंगी, 13 फरवरी को भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शरीक होंगे। स्वामी प्रसाद के बाद सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट, लिखा रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, पिछड़ा अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान। सपा एमएलए स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया एक और ट्वीट, धर्मचारियों पर उठाए सवाल, लिखा दलितों और पिछड़ों के सम्मान से क्यों नहीं लगती मिली। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की, ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश से आपत्ति है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया होर्डिंग में लिखा गया गर्व से कहो हम शूद्र हैं, होर्डिंग पर लिखा गया कि शूद्र समाज में 6773 जाति। जौनपुर में शिवपाल यादव का बयान, कहा भाजपा के मंत्री बड़बोले हो गए हैं, उनका बड़बोलापन मैनपुरी चुनाव में दूर हो चुका है, आने वाले चुनाव में भी जनता उनके बड़बोलेपन को दूर करे। आगरा में आज आम आदमी पार्टी का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, महंगाई बेरोजगारी बिजली जैसी समस्याओं को लेकर जताया विरोध, आप कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इंदिरा नगर में पानी की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा, जलकल विभाग के कर्मियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों का आरोप नहीं मिल रहा वक्त से पानी। झांसी में बिजली दामों को लेकर आप पार्टी का ड्रामा, बिजली दरों में बढ़ोतरी का आप कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग में हुआ अंडर-19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज, भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह, पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह खिलाड़ियों को उत्साहित। रजा ने उन्नाव की बेटी अर्चना देवी निषाद को सम्मानित किया, अर्चना देवी अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की अहम सदस्य हैं, उन्हें विश्व कप जीत की बधाई। मथुरा में प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की कोशिश की, प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, प्रेमिका ने जहर खाया, प्रेमिका की हालत हुई गंभीर, मार्ट इलाके की घटना। कौशाम्बी में युवक को सत्संग में बुलाकर धर्मांतरण करने का प्रयास, ईसाई धर्म अपनाने पर 1 लाख रुपए दिलाने की पेशकश की गई, मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में होमगार्ड के बेटों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया, युवक की हत्या से इलाके में फैली सनसनी, मृतक के परिजनों ने 4 आरोपियों के नामजद मुकदमा दर्ज कराया, परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर में चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट, विरोध करने पर बदमाशों ने चौकीदार को पीटा, 1 लाख रुपए कैश एटीएम कार्ड समेत कई सामान लूट ले गए बदमाश।
बाराबंकी में दो नाबालिगों की पेड़ से बांधकर पिटाई, छेड़छाड़ के आरोप में लड़कों को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। नगर कोतवाली के खसपरिया गांव हापुड़ में सिख आशिक का दिखा कारनामा, दूल्हे को घर से धमकी भरा पत्र भेजा, बारात ना लाने की धमकी दी, कहा बारात का शमशान बना दूंगा। धमकी भरे पत्र से दूल्हे के घर पर हड़कंप मच गया। आगरा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन शूटर्स को गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। राजस्थान पुलिस से बचने के लिए आगरा में छिपे थे बदमाश। कानपुर में चोरों ने एसएस बैटरी की दुकान को निशाना बनाया, दुकान का शटर तोड़कर करीब 4 लाख की बैटरी चोरों ने चोरी की। 4 दिन पहले मालिक ने दुकान ने भरवाया था माल, पूरा मामला चकेरे के मंगला। औरैया में शादी से लौट रहे बाइक सवार दंपति से लूट, बंदूक की नोक पर बाइक सवार से नकदी और ज्वेलरी लूटी, पुलिस मामले की जांच। बलरामपुर में एसपी आवास पर तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। 2020 बैच का सिपाही था अभिषेक यादव। अमरोहा में 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण कर छेड़छाड़ फिरौती मामले के आरोपी को कोर्ट में सुनाई सजा, बदमाश इमरान उर्फ धीरज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 1,05,000 का जुर्माना। बड़कोट के राणा गांव में 4 मकान जले और खाक हुए, लोगों ने मुश्किल से जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आने से पहले मकान जलकर खाक हो गए। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में लगने के नेपाल की गंडकी नदी से लाई जा रही है शिला का बिहार के गोपालगंज में किया गया भव्य स्वागत। वाराणसी में छिड़खानी के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने मार्च निकाला, विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार तक भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़े छात्राओं ने मार्च निकाला। और में अजगर सांप को थैले में बंद कर ग्रामीण थाने पहुंचे, थाने को 10 फीट लंबे अजगर को देख पुलिस के होश उड़ गए, जगह से ग्रामीण अजगर सांप को पकड़कर थाने लाए। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना के द्वारा 20 दिनों के सेवा कार्य का हो रहा है संचालन, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह लगातार कर रहे हैं सेवा का नेतृत्व, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी सेवा कार्य में ले रहे हैं। राहुल गांधी पर उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान, कांग्रेस की शहादत को बताया हादसा, कहा धारा 370 के हटने से ही राहुल गांधी फहरा पाए हैं राष्ट्र ध्वज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ध्वजारोहण का श्रेय। ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में रुके क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया, उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया, संतों को भोजन कराने के बाद माँ गंगा के दर्शन। गढ़वाल में माधारी देवी की मूर्ति का वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में माधारी देवी की आंख से निकल रहे हैं आंसू, 28 जनवरी को माधारी देवी को नए मंदिर में किया गया विराजित। देहरादून में सहकारिता विभाग की हुई बैठक, बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, साथ ही समितियों के वन टाइम सेटलमेंट की समीक्षा हुई, बैठक सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में हुई। रुड़की में पुलिस ने 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, पंजाब से दबोचा गया नाबालिग का अपहरण करने वाला इनामी बदमाश, 5 साल से फरार चल रहा था इनामी, भगवानपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सरकारी आवास पर दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात। सीएम योगी के सनातन धर्म के को राष्ट्रीय धर्म बताने के बयान के बाद बीजेपी विधायक ने कहा सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया, मामले की जांच शुरू। हरदोई में महिला की आंख में मिर्ची झोंक कर कान से कुंडल छीने, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, बैंक से रुपए निकालने जा रही थी महिला। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर पथराव किया, छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज का विरोध किया, काकदेव थाना इलाके का मामला। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला, आरोपी किया गया गिरफ्तार, आरोपी से संपर्क खत्म करने पर की गई वारदात। गाजियाबाद लोनी थाना क्षेत्र के आयशा मस्जिद में कुकर्म का मामला, केस दर्ज कराने के बाद आरोपी हाफिज ममून की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। एटा में सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त, कराई गई 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1,08,00,000, डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई।
हल्द्वानी में बिना परमिशन बन रहे अवैध निर्माण का कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। अतिक्रमण को मौके से जेसीबी से ध्वस्त किया गया। नगर निगम प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। महोबा में सातवां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजन। यूपी सरकार के मंत्री भी महोबा में रहेंगे। माड़ा बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर बीआरओ, -15 डिग्री के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। नीति बॉर्डर और माड़ा पास की बॉर्डर से हटाई गई बर्फ। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट, बर्फ की चादर से लिपटा बाबा बद्री का धाम, पर्यटकों को लुभा रहा बर्फबारी का यह खूबसूरत नजारा। 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। तिमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सोहना दौसा खंड की होगी शुरुआत। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 2 घंटे। आज से आम जनता के लिए खुला राष्ट्रीय भवन का अमृत उद्यान। 26 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी एंट्री। उद्यान में 150 से ज्यादा किस्मों के फूल। साल में एक बार जनता के लिए खुलता है ये उद्यान। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते में पंजाब रेजिमेंट को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। अन्य सहायक बलों की कैटेगरी में सीआरपीएफ को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जैव विविधता संरक्षण की झांकी को दिया गया विशेष पुरस्कार। भारत वंदे भारतम नृत्य समूह की थीम वाली झांकी को भी दिया गया विशेष पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी। शिमला में खड़ा पत्थर इलाके से आई बर्फबारी की तस्वीरें। स्नोफॉल के बाद दिखा बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश में नाहट इलाके में लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से रास्ते पर मलबा आया। नेशनल हाईवे बंद हुआ। पहाड़ से गिरे मलबे को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। अगले 4 दिन तक बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी। राजस्थान के राजसमंद में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के साथ कई जगह चली तेज हवाएं। तापमान 1 डिग्री पर पहुंचा। ठंड बढ़ी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।